आपके चाहते सोशल मीडिया स्टार्स की कंट्रोवर्सी। दोस्तों सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर इंसान अपने विचार रख सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा करना भी हानिकारक साबित हो जाता है। आजकल छोटी से छोटी बात भी इतनी तेजी से फैलती है कि आग का रूप ले लेती है, और जब कोई बात किसी सेलिब्रिटी स्टार से जुड़ी हुई हो तब तो बवाल बनना तय है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी के बारे में बताएंगे जो कि आपके फेवरेट सोशल मीडिया स्टार से जुड़ी है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, मिस्टर फैजू कंट्रोवर्सी। फैजल सोशल मीडिया के जाने माने स्टार है। फैजल की फैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छी है और लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं, लेकिन फैजल ने एक बार एक वीडियो में ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से पूरी इंडिया में उनके इस वीडियो के चर्चे होने लगे थे। इसके बाद काफी लोग उनसे नफरत भी करने लगे और उन्हें ट्रोल भी किया। असल में हुआ यूं कि फैजल ने एक वीडियो बनाया जिसमें फैजल मॉब लिंचिंग में मारे गए तबरेज अंसारी के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में उन्होंने ऐसा कहा था कि तबरेज अंसारी को तुम लोगों ने मार तो दिया है, लेकिन कल अगर इसकी औलाद तुमसे बदला ले तो ये मत कहना कि मुस्लिम आतंकवादी होते हैं। इस वीडियो में फैजल ने सिर्फ लिपसिंग ही की थी, लेकिन जो मैसेज लोगों तक गया था उसके बाद लोगों ने इस वीडियो का काफी विरोध किया। उन्हें इस वीडियो के लिए बहुत ट्रोल किया गया और लोग उनसे नफरत करने लगे। वीडियो देखने के बाद लोगों का कहना था कि फैजल बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और उनका ये वीडियो एक विशेष धर्म के लोगों को आतंकवादी बनने को उकसा रहा है। उनके ऊपर शिवसेना के एक कार्यकर्ता ने पुलिस केस भी दर्ज किया था। जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलत वीडियो पोस्ट कर दिया है तो उन्होंने वीडियो डिलीट करके लोगों से माफी भी मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उन पर पुलिस केस हो चुका था। इसी बात पर टिकटॉक इंडिया ने उनका अकाउंट भी बैन कर दिया था और उनके साथ उस वीडियो में उनके दो दोस्त भी थे जिनका भी टिकटॉक अकाउंट 8 महीने तक बैन रहा। अदनान फाइट। अदनान एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो कि रियलिटी शो में भी नजर आते रहे हैं। अदनान काफी फेमस है और लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं, लेकिन एक बार अदनान धारावी की तरफ अपने दोस्त के साथ जा रहे थे, तब वहाँ पर उनकी भीड़ से लड़ाई हो गई। असल में धारावी में गणेश विसर्जन के लिए बहुत भीड़ लग रही थी। वहाँ पर जब वो पहुंचे तो उन्हें देखकर उनके फैंस उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए कहने लगे। ऐसे में वहाँ बहुत भीड़ हो गई और रोड जमा हो गया, और वहीं पर दूसरी तरफ से विसर्जन करने जा रहे लोगों ने अदनान के ऊपर हमला कर दिया और उन्हें मारने लगे। अदनान को थोड़ी बहुत चोट आई क्योंकि वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें भीड़ से बाहर निकाल लिया था। उसके अलावा भी अदनान की छोटी मोटी कॉन्ट्रोवर्सीज होती रहती है। रियाज अवी एंड अंकित गुरुजी। अंकित गुरुजी के नाम से अंकित का एक यूट्यूब चैनल है जिस पर अंकित सोशल मीडिया स्टार्स के इंटरव्यू के वीडियो अपलोड करते हैं। एक बार अंकित ऐसे रियाज अली के दोस्त अवी के साथ इंटरव्यू ले रहे थे और इस समय कुछ ऐसा हो गया जिस बात में बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया और रियाज और उनके दोस्त अवी के बीच में काफी कहासुनी हो गई। असल में हुआ ऐसा था कि अंकित ने अभिषेक से रियाज के फुल नेम के बारे में पूछा। अवी ने कुछ ऐसा जवाब दिया, आइए सुनते हैं। जब ये वीडियो वायरल हुआ और रियाज तक ये बात पहुंची तो उन्हें और उनकी बहन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उन्हें कोई पर्सनल लाइफ के बारे में इस तरह से बात कर रहा है। इसके बाद रियाज ने अवी को कॉल किया जिसका ऑडियो भी अवी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया। आइए आपको सुनाते हैं दोनों के बीच क्या बात हुई। इतना होने के बाद भी अंकित ने अपने अकाउंट से वीडियो डिलीट नहीं किए, बल्कि इसके बाद अंकित ने अभिषेक के साथ मिलकर एक और वीडियो भी बनाया, अरिशफा और गुफरान फाइट। गुफरान सोशल मीडिया स्टार दानिश जैन के भाई हैं। जब दानिश की मौत हुई उसके बाद अरिशफा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वो दानिश को लेकर रो रही थी। वो वीडियो में दानिश की मौत पर बहुत ज्यादा अफसोस जता रही थी। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो गुफरान को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इस वीडियो के लिए कहा कि मेरे भाई की मौत पर पब्लिसिटी पाने के लिए किसी को भी अफसोस जताने की जरूरत नहीं है। ये बात अरिशफा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने गुस्से में गुफरान को एक और वीडियो बनाकर रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा, अरिशफा के नाम पर पब्लिसिटी भीख में मिल रही है तो ले लो, भिखारी बनने की जरूरत नहीं है। हालांकि उस समय वो सिर्फ 15 साल की थी और उनके अंदर इतनी समझ नहीं थी कि ऐसे मामले को कैसे हैंडल किया जाता है। इसके बाद उनकी माँ ने आकर सारे मामले को ठंडा किया, लेकिन तब तक ये मामला कॉन्ट्रोवर्सी बन चुका था। अदनान बाइक स्टंट FIR। एक बार एक पत्रकार ने अदनान और उनकी टीम 07 के मेंबर्स का इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था। उसके बाद उसी पत्रकार ने अदनान को एक बार फिर इंटरव्यू देने के लिए कॉल किया, लेकिन उस समय वो बिजी है और उन्होंने उस पत्रकार को ये बोलकर इंटरव्यू के लिए मना कर दिया कि अभी मेरे पास समय नहीं है और अभी मैं नहीं दे पाऊंगा। ये बात उस पत्रकार को अच्छी नहीं लगी। पत्रकार ने पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर दी कि अदनान बाइक स्टंट के वीडियोस डालते हैं जो कि युवाओं और बच्चों के बीच गलत मैसेज जाता है। अदनान इतने बड़े सोशल मीडिया स्टार हैं, उन्हें इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। उनकी इस रिपोर्ट पर पुलिस अदनान को पकड़ ले गई और 24 घंटे तक उन्हें हिरासत में रखा। हालांकि अदनान ने उन्हें बताया कि ये सब पुराने वीडियोस हैं और अब वो बाइक स्टंट नहीं करते हैं। उसके बाद उनके वकील के द्वारा उन्हें बेल दिलवा दी गई। सौम्या दौंदकर एंड आमिर सिद्दीकी। दोस्तों आप जानते ही होंगे आमिर सिद्दीकी की एक टीम है जिसका नाम टीम नवाब है। उनकी टीम की एक मेंबर थी सौम्या। सौम्या अपनी टीम और आमिर के साथ वीडियो बनाया करती थी, लेकिन कुछ समय बाद सौम्या ने इस टीम को छोड़ दिया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो सौम्या ने बताया कि उनको टीम में वो इज्जत नहीं मिल रही थी जो वो डिजर्व करती थी। बाद में आमिर ने भी बताया कि उन्होंने सौम्या को डांट दिया था जो कि अक्सर किया करते थे। ऐसा भी सुनने को मिला कि आमिर ने सौम्या को चाटा भी मार दिया था जिसकी वजह से सौम्या ने उनकी टीम को छोड़ दिया। दोस्तों आपको क्या लगता है इसके पीछे की सच्चाई क्या होगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। रिवॉल्वर रानी, लक्ष्य चौधरी एंड एल्विश यादव। रिवॉल्वर रानी की एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी थी। आपको बता दें रिवॉल्वर रानी टिकटॉक पर वीडियो बनाया करती थी और एल्विश यादव एक यूट्यूबर है जो कि टिकटॉक पर वीडियोस बनाने वाले क्रिएटर्स को अपने वीडियोस में रोस्ट किया करते थे। एल्विश का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने रिवॉल्वर रानी को रोस्ट किया था, लेकिन वो वीडियो रिवॉल्वर रानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इस वीडियो
वीडियो के रिप्लाई में एक वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया। आइए आपको सुनाते हैं। जब उनका ये वीडियो वायरल हुआ तब और भी ज्यादा लोग उन्हें रोस्ट करने लगे और ट्रोल करने लगे, जिसमें एक वायरल वीडियो था लक्ष्य चौधरी का जो कि अब डिलीट हो चुका है। जिसके बाद इस कंट्रोवर्सी के बीच में कूदे आमिर सिद्दीकी। जब आमिर की एक गाली वाला वीडियो वायरल हुआ तो इसकी वजह से रिवॉल्वर रानी भी आमिर के खिलाफ हो गई, जिसके बाद रिवॉल्वर रानी को बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से ट्रोल किया गया। यहाँ तक कि उन्हें बहुत ही बुरे और गंदे पर्सनल मैसेज भी किए जाने लगे। हालांकि एल्विश ने लोगों से अपील की थी कि कोई भी इस तरह के बुरे मैसेजेस उन्हें ना करे। ये पूरी कंट्रोवर्सी होने के बाद रिवॉल्वर रानी ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे इतना परेशान किया जा रहा है, जबकि मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। अगर आप मेरे डीएम पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने जिन्हें दोस्त समझा था वही मेरे दुश्मन निकले। दोस्तों, इन सभी कंट्रोवर्सीज में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी आपको कौन सी लगती है? या आपको इन कंट्रोवर्सीज के बारे में पता था? कमेंट करके जरूर बताएं।